राधे। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को संडे की सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप और इस टाइम ना अभी 7:45 बज रहे हैं, देखिए, और अभी ना 7:45 बज रहे हैं सुबह के। और वैसे मैं आज जल्दी ही उठ चुकी थी, मतलब 5:45 बजे उठी थी, क्योंकि हस्बैंड जी को टिफ़िन भी ले जाना था, उनको ऑफिस जाना था 5:30 बजे, तो उनको दे के फिर मैंने थोड़ा बहुत मैं सो गई थी, मतलब नहा उनके जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ, जैसे झाड़ू वगैरह पोछे झाड़ू ये सब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद से मैंने नहाया धोया, उसके बाद से फिर मैं चाय वगैरह पी के थोड़ा मैं लेट गई थी। तो अभी थोड़ी देर के बाद मतलब उसके बाद मैं छत पे चले गए थोड़ी देर के लिए टहलने, तो क्योंकि कोई वीडियो शूट नहीं किया उसके बाद से, क्योंकि मेरा मोबाइल का ना बैटरी थोड़ा डाउन हो गया था, तो चार्ज में लगा रखा था, तो इसलिए तो अभी ठीक ठाक है मोबाइल। तो अभी बच्चे सो ही रहे हैं, आज संडे है तो थोड़ा बहुत सारा प्यासी उठ चुकी हैं, तो बस चाय वगैरह दोबारा बनाना है मेरे को और आटा लगा के रखा है, क्योंकि हस्बैंड जी जब चले गए थे ना तो उनके लिए मतलब उसी टाइम मैंने आटा लगा लिया था, तो उनको बस बना के मैंने टिफ़िन दे दिया था, तो आटा बचा के रख लिया था। तो बस अभी इस टाइम रोटी बनाऊंगी और थोड़ा सा सब्ज़ी बना लूँगी और बेसन की सब्ज़ी बनाऊंगी, और बनाने के बाद फिर मुझे ना डीप क्लीनिंग करनी है किचन की, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो थोड़ा बहुत किचन की भी सफाई हो जाए। और कल मैंने क्या कहते हैं, कल घर की पूरी डीप क्लीनिंग करी थी, आप लोगों ने देखा भी वीडियो में, अगर आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा, एक दिन पहले ही मैंने घर की अपनी साफ़ सफाई कर लिया था और आज करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग। तो बस यही है, तो चलिए फ्रेंड फटाफट से पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद से किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है किचन में, और कल मैं नहीं करी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, कोई भी चीज़ करते हैं काम ना तो थकान हो ही जाती है। तो चलिए फ्रेंड बातें ना करते हुए फटाफट से ये काम भी निपटा लिया जाए। और हाँ फ्रेंड, आप लोग ने रक्षाबंधन पे क्या क्या तैयारी किया, कैसे कैसे मतलब क्या क्या ख़रीदारी किया, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट्स पढ़ना, आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं और लाइक भी कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेट भी मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। आप लोग अपना बहुत कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी को। तो फटाफट मैं अपना काम निपटा लूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बेसन का घोल मतलब घोल तैयार कर रही हूँ, आज मैं बेसन की ही सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बेसन में बस मैंने हल्का सा नमक डाल रखा था, हल्दी और अजवाइन और हल्का सा क्या कहते हैं लाल मिर्च पाउडर डाला है, और तावे पे ही मैं इसको ना फोल्ड कर लूँगी, मतलब अच्छी तरह से ना इसे फैला कर, बेसन के पेस्ट को फैला कर इसको फोल्ड कर लूँगी, रोल बना लूँगी इसको, और रोल बना के अच्छी तरह से धीमी आँच पर सेक के और इसको मैं रोल बना के और कट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल में मैं रोल बना कर ही इन सबको निकाल लेती हूँ। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि बेसन की सब्ज़ी मेरे बच्चों को भी पसंद है और मेरे को भी पसंद है। तो रोल बना लिया है बेसन का और मैंने कढ़ाई रख दिया, इसमें ना सरसों और क्या कहते हैं जीरे का तड़का लगा दिया है, और इसी में टमाटर और अदरक लहसुन प्याज इन सब का पेस्ट बनाकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और जो बचा हुआ था ना घोल जैसे पतीली में था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसी में ही डाल दिया है। आखिर वेस्ट तो करना नहीं चाहिए हमें कोई भी चीज़, तो जो उसमें चिपका हुआ था ना बेसन उसी में थोड़ा पानी डालकर मैंने इसमें डाल दिया है, और बस इसमें ना किचन के रेगुलर मसाला अपने अकॉर्डिंग डाल दूँगी, जैसे हल्दी हो गया, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दूँगी। नमक थोड़ा कमी डालूँगी, कमी डाला क्योंकि मैंने बेसन में भी जब बनाई थी मैंने ये रोल ना तो उसी में भी मैंने ऐड कर रखा था। तो बस ये थोड़ा सा पका लूँगी अच्छी तरह से, ऊपर से कसूरी मेथी भी डाल दिया इसके अंदर ताकि टेस्ट इसका अलग, इसका स्वाद हट के आए, और इसमें हल्का सा पानी मैंने डाल दिया, अच्छी तरह से पक जाने के बाद इसमें पानी डाल के उबाल लूँगी, और ये उबल चुका है, और जो मैंने केक कट करी थी ना ये बेसन के ये जो रोल उसको मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको 5 मिनट तक कुक होने दूँगी, तो ये बन के बेसन की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो रोटियां मैंने पहले ही बना लिया था, और उसके बाद मैंने ना सारा सामान जो खाना वगैरह था सब मैंने कमरे में रख दिया है, और उसके बाद से बच्चों को भी मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करवा दिया है और खाने भी अंदर रख दिया है मैंने। अब मैं आ गई हूँ किचन की सफ़ाई करने, तो किचन के जो भी ऊपर के जो भी डिब्बा डिब्बी है जो भी है मेरे
बर्तन वो सारे मैंने ना बाहर आते तो मैंने बाहर रख दिए हैं। सिंक में भी जो बर्तन है उसे मैंने माँज के और अलग रख दिया था, और बर्तन स्टैंड का भी मैंने जो भी बर्तन है बर्तन स्टैंड में का वो सारे निकाल कर बाहर रख दिए हैं। और डिब्बे जितने भी हैं मसालदानी जो भी है दाल वगैरह वाला डिब्बे सब मैंने नीचे काउंटर टॉप पर रख दिया है। और स्लिप को जो है ना ऊपर वाला आला और बीच वाला जो आला है जो भी ये स्लिप है इन दोनों को मैं अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लूँगी। और लगे हाथ ना जो मेरा भंडारी वाला जो ड्रो है उसको भी मैं अच्छी तरह से मतलब उसके दरवाजे भी अच्छी तरह से मैं पोंछ ली हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से मैं बर्तन स्टैंड को भी अच्छी तरह से ना रगड़ रगड़ कर धो लूँगी। महीने में तो एक बार हमें किचन की अपनी अच्छी तरह से डीप क्लीन कर ही लेनी चाहिए। और वैसे भी त्यौहार नज़दीक आ चुका है तो त्यौहारों पे तो हमारे घर की साफ़ सफाई होनी ही चाहिए। और किसको नहीं पसंद है अपने घर की साफ़ सफाई, सबको अच्छा लगता है घर की साफ़ सफाई, साफ़ सफाई से ही घर में रहना अच्छा लगता है। तो बस यही है मेरा ये, तो महीने में मैं अपना हमेशा मतलब किचन के डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ। ताकि एक तो मेरा ना छोटा सा किचन है, ओपन किचन है नहीं, छोटा किचन है और बड़ा किचन भी नहीं है, और ना ही कोई मॉडल वाला किचन है। तो बस ये छोटा किचन पुराने ज़माने के टाइप का है, लेकिन ठीक ठाक है। जैसा हम लोग का जगह होता है वैसा ही उसी हिसाब से अपना कमरा अपना किचन हम लोग बनवाते हैं। तो मेरा किचन छोटा ही आप लोगों ने देखा ही है कि दो जने ही इसमें आ सकते हैं। तो बंद किचन होता है ना तो मतलब जो भी खाना बनाते हैं ना तो डिब्बों पे ना तेल वगैरह ये सब चिकनाहट ना जम जाती है। अभी मैंने धोया है ना एक हफ्ते बाद इस पे ना चिकनाहट बैठ जाएगी। तो फिर मैं ना डिब्बे बस जितने भी डिब्बे होते हैं ना तो दो हफ्तों बाद मैं इन्हें धोती रहती हूँ या पोंछती रहती हूँ। कभी मैं जैसे कोई सामान उतारती हूँ कोई भी डिब्बे मतलब उतार के जिसमें से सामान हो तो लगे हाथों से ना कपड़ों से पोंछ ही देती हूँ ताकि ना कम चिकनाहट हो। और बस यही है। तो आज मैंने सोचा इतने दिन हो गए, महीने दिन हो गए हैं, गांव गई थी उससे पहले ही मैंने साफ़ किया था किचन को। किचन गांव जाने से पहले मैंने ना दो चार दिन पहले ही साफ़ किया था मतलब किचन को भी। तो आई ना जब तो मैंने अभी साफ़ नहीं किया था, मैंने कहा कि जब मतलब जब कोई त्यौहार नज़दीक आ जाएगा ना तब मैं शुरू कर दूँगी। तो वैसे भी त्यौहार सब नज़दीक है, कल रक्षाबंधन भी है और जन्माष्टमी भी आने वाली है, फिर हमारे नवरात्र भी आने हैं। अभी तो इसी की वजह से मैंने ना सोचा कि चलो किचन की पहले साफ़ सफाई कर दिया जाए। और चिकनाहट भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, 15 दिन में ही इसमें बहुत बुरा हाल हो गया था। तो मैंने सोचा चलो सफाई कर लिया जाए। तो जो भी डिब्बा है ना मेरा जितने भी है स्टील के सारे मैंने अच्छे से धो दिए हैं, और काउंटर टॉप भी मैंने धो दिए हैं, गैस वगैरह भी मैं धो दूंगी और टाइल्स भी अच्छे तरह से धो दूंगी। टाइल्स में हमेशा मतलब साफ़ करती रहती हूँ ताकि ना जैसे खाना बनाते हैं तो टाइल्स पे ना उसके भाप हो या तेल के छींटे हो मसाले के छींटे हो वो सब जाकर चिपक जाती हैं। तो उसको मैं साफ़ करती रहती हूँ ताकि इसमें ना चिकनाहट ना बैठे। और ऊपर तो जैसे आप देख रहे हो ऊपर मैं छोड़ा रही हूँ मतलब जूंगे से छूट नहीं रही, बार बार गिर जा रही थी मेरे हाथों से फिसल जा रही थी। वैसे मैंने ना इस स्पीड बढ़ा दिया है वीडियो को, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इस वजह से मैंने वीडियो ना बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया है मैंने वीडियो का, तो ताकि प्रॉपर मेरा जो भी है डीप क्लीन आप लोग के साथ में शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड यही है। तो फटाफट से पहले मैं ये सब साफ़ सुथरा कर लेती हूँ क्योंकि मेरा किचन ही रह गया था, सारा काम मैंने कर लिया है और इसके बाद मैं दोबारा नहाऊँगी। तो गैस को भी अच्छी तरह से धो लेती हूँ बढ़िया से, और धोने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से रख दूँगी काउंटर टॉप पर, और फिर मैं इस किचन का फाइनली साफ़ करके उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद आप लोग से मिलूँगी। तो फिलहाल मैं अभी फटाफट से ये सब मैं निपटा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ।
फाइनली मैं रेडी होके आ चुकी हूँ, मतलब नहा धोकर रेडी होके आ चुकी हूँ। और एक बार आप लोग को ना अपना किचन भी दिखा देती हूँ कि धोने के बाद किस तरह से मेरा किचन दिख रहा है। तो दिख रहा है ना, चमचमा रहा है ना, टाइल्स भी सब चमक गए हैं। तो इसी तरह मैं महीने में ना एक बार अपना मतलब डीप क्लीन हर महीने करती ही रहती हूँ। और अभी रेगजिन पेपर सूखा नहीं है, आले पे का पेपर वो मैंने छत पे भिजवाया है कृष्णा से, तो जब सूख जाएगा तो बिछाऊंगी इस पे। आई होप फ्रेंड आप सभी को ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। और कल है रक्षाबंधन, तो एडवांस में आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।